पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल वैलो कुल्लुल वैल किसके लिए है, लिमन अगज़बा इब्नती फातिमा, 100% जहन्नम मिलेगा उसको जिसने मेरी बेटी को नाराज किया। मेरे लिहाज से जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आज भी रंजीदा हैं और नाराज हैं। उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आज के जमाने की बात करूँ तो उन लोगों से भी नाराज होंगे जिन्होंने उनकी कब्र को वीरान किया और जो उस पर राजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज सहाबा सहाबा मुसलमान बहुत कर रहे हैं, हम सहाबा को मानते हैं, लेकिन क्या कोई सहाबी पैगम्बर की बेटी से बढ़कर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक तरफ सहाबे की कब्र ढाई गई, वो भी जुर्म अजीम है। बिल्कुल है, लेकिन उससे बड़ा जुर्म अजीम है कि उसने पैगंबर की बेटी की कब्र को ढा दी, निशान मिटाने की कोशिश की। और आज भी लोग वाकई मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जो है अलमिया है कि अगर वो जाकर अपने ईमान को ताजा करना चाहते हैं, कोई कब्र की इबादत नहीं करता मेरे भाई, कोई नहीं करता। आज खुद पैगम्बर की है कि जाओ कब्रों की ज़ियारत करने के लिए, और आप जाते हैं आपके साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, क्या यही इस्लाम है? सही बात, हटा दिया था फौरन वहाँ, कुछ गालियाँ दी जाती है, मारा जाता है, बुरा भला कहा जाता है। और शायद हमने ये भी सुना कि उसी शहजादी ने कहा था अपने शौहर से कि मेरे कब्र पे कुरान पढ़ने आइएगा, हम लोगों को नहीं पढ़ने दिया जाता। बिल्कुल नहीं पढ़ा दिया जाता है, ये भी एक जुर्म है जो बीबी के हक़ में।